सर। क्या हुआ? 24 नवंबर को उस लड़के का एक रोड एक्सीडेंट हो गया था और वो इस वक्त कोमा में है। कोमा में है तो रवि कुमार उसके बारे में इंक्वायरी क्यों कर रहा है? लुक, डॉक्टर राजेंद्र का खून 24 नवंबर को करीब 10 बजे हुआ था। सर, डॉक्टर अदिति का भी एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन 24 नवंबर को दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच। और दोनों ही मेडिकल कैंप गए थे। दोनों घटनाएं आसपास ही हुई है। मुझे लगता है कि दोनों का एक दूसरे से संबंध है। मोहन, एक बात और। सर, मैं कुमार से मिलना चाहता हूँ। ओके सर। वो मेडिकल कैंप कौन चलाता है और उसका मोटिव क्या है, सारा डिटेल्स निकालो। ओके सर। वो नहीं मरी ये जानने के बाद उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। मरने के बाद भूत बनकर घूमते हैं ये तो ओके है, लेकिन ये अगर जिंदा है तो फिर कैसे भूत बनकर घूम रही है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही तो कंफ्यूजन है, मैंने भी आज तक ऐसा नहीं देखा। आत्मा और शरीर दोनों को तुम अलग अलग देख रहे हो ना? हाँ स्वामी। ये दोनों ही सत्य है, लेकिन जो इंसान जिंदा है उसकी आत्मा बाहर कैसे आ सकती है? हो सकता है, हमारे पूर्वजों ने इसे एक कला की तरह देखा है। त्रिभुवन के बारे में जानते हो? उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चली गई थी और एक मरे हुए शिकारी के शरीर में प्रवेश कर गई। उस शिकारी के मरने की खबर उसकी पत्नी तक पहुंच गई तो चमत्कार हो गया। आत्मा और शरीर को अलग अलग देखने की क्षमता सब में नहीं होती, ये एक तरह की साधना होती है। इससे एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते हैं, ये वही कर सकता है जो पक्का साधक हो। लेकिन उस लड़की के शरीर से आत्मा कब कैसे बाहर आई ये बात वो खुद नहीं जानती। तो उस लड़की की आत्मा उसके शरीर में वापस जा सकती है ना? आ सकती है और नहीं भी आ सकती है, ये सब भगवान के हाथ में है। क्या हो गया? क्या तुम जानती हो कि तुम अपने शरीर से बाहर कैसे आई? ये क्यों पूछ रहे हो? बोलो ना। सोच कर बोलो। मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम बाहर कैसे आई हो तो वैसे ही तुम वापस भी जा सकती हो। तुम एक बार अपने शरीर के अंदर जाने की कोशिश करो। पर मुझे जस्ट ट्राई। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे मुझे धक्का दे रहा हो। एक बार फिर कोशिश करो। नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। एक लास्ट ट्राई करो। नहीं होगा मुझसे। मेरे लिए एक बार ट्राई करो ना। सर, विजिटिंग आवर इज ओवर। चलो। कहाँ? घर पे। मेरा प्रॉमिस मैं भूली नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। थैंक्स कुमार। मतलब तुम नहीं आओगी? बिल्कुल नहीं आऊंगी। भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी और बहुत तकलीफ भी होगी। डॉक्टर, मैं डॉक्टर अदिति हूँ। मैं डॉक्टर अदिति हूँ। मैं डॉक्टर अदिति हूँ। सच में मुझे लगा कि तुम अभी भी जिंदा हो। मतलब तुम नहीं आओगी? बिल्कुल नहीं आऊंगी। हेलो यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझसे भी नहीं हो रहा, ठीक से पेशाब भी नहीं हो रही है। यार मेरा मतलब पेशाब से नहीं था। तेरी तरह मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाथ जोड़ता हूँ, पीछे छोड़ मेरा। ए, चार बोतल फुल नीट मारने का मन कर रहा है।
ए, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता है, समझा ना? यार ऐसा मत बोल, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मुझे दे इसको, अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं होगा, लेकिन मुझसे तो पीना होगा ना। वैसे एक बात बताऊं तुझे, देख तूने बहुत ज्यादा पी ली है, अब ये राउंड यार तो पहले बहुत पी चुका है, तू मेरी फिक्र कर। अच्छा सुन, और थोड़ा डालूं क्या? ओके ला, मुझे दे, ये दे मुझे। क्या कर रहा है? अरे रुक, ये अरे नहीं होगा, नहीं होगा बोलकर तू अकेले सारा पी गया। मैं अदिति के बिना नहीं रह सकता। अदिति नहीं है इसलिए तेरी ये हालत है क्या? ए, 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 अगर अदिति नहीं है तो कैटरीना है, और अगर कैटरीना नहीं है तो करीना कपूर तो है ही। ऐसे ही आगे तो ठीक है, किसी को बुलाओ। बुलाओ। ये कीना मर्दों वाली बात। This is what I want। आकर क्यों अपनी इज्जत निकाल रहे हैं? अबे एक्सीडेंट में मरकर तू भी कहीं भूत मत बन जाना, नहीं तो तुझसे बात करने वाला कोई नहीं रहेगा। ये बहुत अच्छी रही ना? अजी मजा आया। अजी दी, अजी दी। अरे छोड़ 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 उनको छोड़। अबे नशे में मलेशियन लड़कियों को पकड़ रहा है। जाइए जाइए। अबे एक चलना। रुक। अजी दी, अजी दी। अरे बाप रे पुलिस के। अजी दी जा रही है, देखो कल चला जाएगा तो मैं काजो पे जा रहा हूं। बॉस वो देखो अदिति जा रही है। मिस्टर कुमार। यस। वो लड़की मरने वाली सर, है सर। वो लड़की मरी नहीं है। ये तुम कैसे बोल सकते हो? सर मैं उसे मरने नहीं दूंगा सर। उसकी जो हालत है वो बहुत क्रिटिकल है, उसे बचाने के लिए क्या करोगे? मैं ये सब नहीं जानता, बट आई लव सर, आई लव। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। नहीं मिस्टर कुमार, डॉक्टर राजेंद्र का और डॉक्टर अदिति का एक्सीडेंट एक ही दिन हुआ है। सर, इसका ये मतलब सब सर, सर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा सर। मोहन सर, बेचारा कुमार, डॉक्टर राजेंद्र का खून और डॉक्टर अदिति का एक्सीडेंट दोनों का संबंध एक है, ये कुमार को पता है। हाँ सर, मुझे भी ऐसा आश्चर्य हो रहा है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उसने उस लड़की को कैसे ढूंढ निकाला। जरूर उसके पास कोई तो मिस्ट्री है। समथिंग इज गोइंग टू हैपन। अदिति कहाँ हो तुम? डैनियल, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। तो तुम यहाँ क्यों आए? क्यों डैनियल, पुलिस तुम तक पहुंच जाएगी इसलिए डर रहे हो? इडियट, इतनी आसानी से तुम्हें पकड़ने देंगे क्या? नहीं डैनियल। सर सर, एक्सक्यूज मी, ऑर्डर प्लीज। वन प्लेट इडली, वन प्लेट वड़ा, वन आइस टी। सर ईच वन प्लेट, सर वन प्लेट इडली, वन प्लेट वड़ा, वन आइस टी सर। क्यों सिंगल सिंगल ऑर्डर दे रहे हो? क्या हुआ, तुम मुझे भूल गए ना? बोलो ना, भूल गए ना मुझे? तुमने तो कहा था नहीं होगी,
बोला तो था पर कोई रास्ता नहीं था। दूसरा कोई नहीं मिला इसलिए आई हूँ, बता दो। हे यो, तुम अकेले अकेले दुखी हो रहे थे इसलिए मैं आई हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। स्टॉप, रुको, मत करो। प्लीज जल्दी गो। वेटर, सब दो प्लेट लाना। क्या हो गया? मुझे मेरा बर्थडे याद आ गया। हर साल मेरा बर्थडे कब आएगा कब आएगा, मैं वेट ही करती रहती थी। कम से कम इस साल तुम तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो ना, बताओ मुझे। ऐसा क्यों बोल रही हो? कल को मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। कल जो होगा देखा जाएगा, मैं तुम्हारा बर्थडे आज ही मनाऊंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम, मेरा बर्थडे तो नेक्स्ट मंथ 9th को है। बर्थडे को ही बर्थडे सेलिब्रेट करना, ऐसा कोई रूल नहीं है। थैंक यू। मुझसे नहीं हो रहा। क्यों? क्यों नहीं हो रहा? ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन क्यों? कहते हैं कि आत्मा की ख्वाहिश पूरी होने के बाद आत्मा वापस चली जाती है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी और कल को तुम्हें कुछ हो जाता है तो कम से कम आत्मा के रूप में तो तुम मेरे साथ रहोगी। तुम हमेशा मेरे साथ रहो। Have a seat, please. So, डॉक्टर, अपना मेडिकल कैंप कैसा लगा? बेहिचक बोलो डॉक्टर। और ये कौन है? ये मेरी जूनियर अदिति है। Oh, good. हमने जो मेडिकल कैंप शुरू किया था उसमें ये बहुत एक्टिव थी। गुड, अगली बार अपना मेडिकल कैंप बड़े पैमाने पे करना। क्यों पता है? उसकी जरूरत नहीं है। What do you mean? आपने जो मेडिकल कैंप शुरू किया था उसके हर कैंप में मैंने काम किया है। ट्रीटमेंट के वक्त अप्रोक्सीमेटली 90% पेशेंट्स को स्किन डिजीज हुआ है, और ऐसा क्यों हुआ ये जानने के लिए मैंने स्किन टेस्ट लिया, और उस टेस्ट में मुझे पता चला कि उसका रीजन है आर्सेनिकल केराटोसिस, जो एक स्किन कैंसर है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, आपकी फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्टेज की वजह से ये स्किन डिजीज की प्रॉब्लम हो रही है, ये मुझे पता चल गया है। ये मेरी फैक्ट्री से निकले हुए वेस्टेज की वजह से हुआ, ये तुम कैसे कह सकती हो? आपकी फैक्ट्री में कॉपर हैंडल बनाने के लिए आर्सेनिक केमिकल को यूज करते हैं। फैक्ट्री वेस्टेज में जो आर्सेनिक केमिकल है वो ग्राउंड वाटर में मिला हुआ है, और इसकी रिपोर्ट लास्ट पेज पे है। ओह गॉड, अगर ये रिपोर्ट गवर्नमेंट तक चली जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। शायद आपको इसके बारे में पता हो इसलिए मैंने आपको बताया। सारे प्रोडक्शन बंद करो और फैक्ट्री का गेट बंद करो। Do what I say. अच्छा, ये भी मुझे पता नहीं चला। डॉक्टर, आप लोगों ने जो मेरे लिए किया वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। अदिति, अगर ये फाइल लेकर हम गवर्नमेंट के पास चले जाते तो डेनियल अरेस्ट हो चुका होता। सॉरी डॉक्टर, आई मेड अ मिस्टेक। इट्स ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हैंडल करने का वे पता होना चाहिए। डॉक्टर!